No, you know, like my father, my parents are very happy कि मैं काम अच्छा कर रही हूँ और बिजी हूँ, खुश हूँ. और देखो क्या होता है ना जिंदगी में, किसी को नंबर वन बनना होता है, नंबर टू मुझे ये बनना है, कैटरीना कैफ, करीना कपूर. मैं उनमें से नहीं हूँ. मुझे अच्छा काम करना है, मैं कम काम कर लूँगी लेकिन मैं सही तरीके से काम करती हूँ. मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग करने वाली इंसान नहीं हूँ, तो जो भी सही तरीके से ढंग से सीधे साधेपन में काम आता है वो मैं कर लेती हूँ. और फॉर्चुनेटली महीने में 25-26 डेज बिजी रहती हूँ, तो एंड ऑफ द डे आई एम बिजी इन मेकिंग मनी. तो वो मुझे सेटिस्फेक्शन देता है क्योंकि मैं सहारनपुर से निकल के यहाँ तक भी पहुँची हूँ, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. और मैं पिछड़े कर रही हूँ. द पॉइंट इज आई एम नॉट जॉबलेस. सम पीपल दे से अच्छा ग्रैंड मस्ती के बाद क्या किया यार, हिंदी फिल्म तो तब आई थी. दे डोंट अंडरस्टैंड, इट इज नॉट अबाउट हिंदी सिनेमा, इट इज अबाउट सिनेमा, इट इज अबाउट फिल्म इंडस्ट्री. दे डोंट अंडरस्टैंड, इट इज नॉट अबाउट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हैज मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, हिंदी, एवरीथिंग इज देयर. देयर वेरियस लैंग्वेजेस. सो एन आर्टिस्ट इज सपोज टू एक्ट. ग्रैंड मस्ती के बाद मैंने बहुत काम किया है और आज मैं जाती हूँ केरला. लोगों को मालूम है कि उनके स्टार के साथ, उन मोहनलाल के साथ एक्ट्रेस थी तमिल में, अच्छा अजीत कुमार थला के साथ, अच्छा वो थी, अच्छा ऐसे. तो मैंने अच्छा काम किया. और हिंदी में अब मेरी ऋषि जी के साथ कॉमेडी आ रही है, रामू के साथ थ्रिलर, और इवेंट्स भी कर रही हूँ. तो एक इंसान ही हूँ तो लाइक यू नो इट टेक्स टाइम. एंड आई एम नॉट समवन हु वांट्स टू ओनली डू, अच्छा मुझे तो बस यशराज के साथ ही काम करना है, मुझे करण जोहर के साथ ही करना है. देखो मैं कोई बहुत बड़े फिल्मी बैकग्राउंड से तो आ नहीं रही हूँ. आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर आई एम बॉर्न टू अ मिस्टर बच्चन और कपूर और ब्ला ब्ला ब्ला. आई एम जस्ट वर्किंग हार्ड. बट इन माई केस आई स्टिल फील आई एम फॉर्चुनेट कि मैं इतना भी कर पा रही हूँ, कमिंग फ्रॉम अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, कमिंग फ्रॉम एन इंडस्ट्रियस बैकग्राउंड. तो यहाँ तक पहुँचना भी मुझे लगता है मैं तो खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ. एंड एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी कंटेंट. माई फादर सेज कि क्यों कर रही हो ये, तुम्हें जरूरत क्या करने को ये, तुम वापस आओ, आके यूनिट संभालो, इंडस्ट्री संभालो. केमिकल यूनिट्स हैं हमारी. बोलते हैं यू आर मोर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर गर्ल, यू हैव अ बिजनेस माइंड, यू सो शार्प, व्हाई डोंट यू जस्ट डू दिस, व्हाई यू हैव टू डू दिस डू दैट. सुबह सुबह 4 बजे फ्लाइट पकड़ रही हो, पूरी रात नींद पूरी नहीं होती, 12-1 बजे शूट पैकअप होता है, घर आके नहा के 1 घंटा वहां लग जाता है, खाना खाते खाते 1.5 घंटा हो जाता है, फिर उसके बाद सोते सोते 2-2.5 बज जाते हैं, 4 बजे उठ के फिर फ्लाइट पकड़नी होती है. सो हार्डली आई एम गेटिंग स्लीप. तो ही सेज कि इतनी मेहनत मत करो, कम बैक, हैंडल माई वर्क, डू दिस, वील ऑल विल बी सो हैप्पी, साथ में रहेंगे, इतनी दूर रह रही हो इतने सालों से. सो येस माई फादर पेरेंट्स दे कॉल मी बैक, बट आई एम एंजॉइंग. बॉम्बे इज अ सिटी, यू कान लिव विद इट बट यू कान लिव विदाउट इट. सो या टू थिंग्स आई रियली लाइक, वेन समबडी अप्रिशिएट्स अबाउट माई इंटेलिजेंस और द फैक्ट दैट आई एम वेरी रिलायबल एंड आई एम केयरिंग, हैव दैट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल एंड आई एम ग्राउंडेड. वैन पीपल से लाइक यस्टरडे आई वॉज इन लुधियाना, आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम चंडीगढ़. सो पीपल एट द एयरपोर्ट, इवन द मैनेजर ऑफ द एयरपोर्ट, ही सेड देवर अदर आर्टिस्ट ऑल्सो. सो ही टोल्ड माई मैनेजर दैट योर आर्टिस्ट इज सो ग्राउंडेड, यू मस्ट बी अ लकी वुमन. सो आई सेड शी इज नॉट लकी, आई एम लकी, आई हैव द बेस्ट मैनेजर. सो ही इज लाइक दैट्स दैट दिस इज वन ट्रेट अबाउट यू कायनात विच विल टेक यू टू हाइट्स. सो ये मैं रोज़ सुनती हूँ, मुझे खुशी होती है और मैं बंदे को बंदा समझती हूँ, इंसान को इंसान. मेरे से जितनी कोशिश होती है, मैं ट्विटर पे भी अपने सारे फैंस को रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, मेरे से जितना होता है मैं करती हूँ उतना. लाइक ट्विटर पे कोई मोस्टली आप स्टार देखते हो कि जवाब नहीं देते हैं, दे डोंट आंसर, दे सेंड मी थिंग्स फ्रॉम दुबई हेयर देयर, एंड आई मेक श्योर समटाइम्स लिटिल बिट थिंग्स आई डू क्वाइटली फॉर देम, नोबडी गेट्स टू नो. सो बींग अ गुड ह्यूमन बींग इज यू नो इज इम्पॉर्टेंट. सो वैन आई गेट दैट काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड वैन समबडी सेज आई एम इंटेलिजेंट एंड अबाउट माई माइंड, दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट. आई डोंट गेट कैरिड अवे विद लुक्स, लुक्स आर डिसेप्टिव, ट्रस्ट मी. एंड टूडे आई मे लुक ब्यूटिफुल, मे बी 5 इयर्स ऑन द लाइन, 10 इयर्स ऑन द लाइन, यूल से ओ शी इज लुकिंग ओल्ड. एंड इफ इट इज फॉर द लुक्स, इट्स नॉट लाइक यू नो रियल. And if any man will accept me or love me for my looks, so it's gonna be short term. Because I think attraction fades away. What remains is friendship and the intellect part, the wavelength, how well you connect. I told Bamanji when we went to Haifa, I said birthday share hota hai hum dono ka ek saath. Kehte kya baat kar rahi ho? Haan, 2nd December. I said ek cheez to common hai, but he's very intelligent. Huh? I love his mind also. I think all these guys, Karan Johar, Ritesh Deshmukh, Baman.
सो गुड, शाहरुख खान लाइक ऑन द स्टेज, द वन लाइनर्स, बहुत स्पॉन्टेनियस दे. आई थिंक माइंड फैसिनेट्स मी टू मच. मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि सी बहुत से लोग बहुत मोटिवेट करते हैं यंगस्टर्स को कि हाँ, आप करो, अपने आप पर भरोसा करो. सारी बात ठीक है, बट अगर आपका बेस और फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है. मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया था. मैं ऑटो रिक्शा में घूमी हूँ, मैं हॉस्टल जाती थी, वहाँ पर कॉकरोच ठहरे होते थे खाने में. खाना छोड़कर मुझे भूखा सोना पड़ता था, पानी पीकर पेट भरना पड़ता था, फिर उसके बाद मुझे सुबह फिर काम पे जाना पड़ता था. सारा दिन भूखी रहती थी, मीटिंग्स करती थी, कहीं पे सिलेक्ट होती थी, कहीं पे रिजेक्ट होती थी, सिलेक्ट होती थी, रिजेक्ट होती थी, ये सब चलता रहता था. और ऑटो रिक्शा में जाना पड़ता था, तो मैंने वो धक्के खाए हैं. अगर आप जब तक, कई लोग हैं जैसे मेरे खुद के रिलेटिव्स हैं, तो मेरे फादर को बोलते हैं, अरे आपकी बिटिया तो इस लाइन में, अब मेरे बेटे को एक्टर बनना है. तो मेरे फादर बोलते हैं, बेटा उनकी मदद करो. आई सेड, मैं क्यों करूँ मदद? मेरी किसी ने मदद की? नो बडी विल हेल्प नो वन. यू हैव टू हेल्प योर ओन सेल्फ. एंड टुडे इफ आई हेल्प सम वन, आई डू हेल्प पीपल वेन इट टर्म्स टू गेटिंग जॉब्स फॉर देम. माई ओन स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, आई गेट देम जॉब. बट इफ समबडी विल से मेक मी एन एक्टर, अरे पहले मैं खुद तो बन जाऊँ कुछ. एंड मुझे इतना वक्त लग गया यहाँ तक आने में, आप स्ट्रगल तो करो. आपको शॉर्टकट्स लेने क्यों हैं? अगर शॉर्टकट्स लेने होते तो पहले मैं ना ले लेती. मैंने खुद ने तो शॉर्टकट्स लिए नहीं. लॉन्ग कट से आ रही हूँ तभी तो वक्त लगा ना, क्योंकि सही रास्ते से आ रही हूँ ना. सही रास्ते से आओगे तो वक्त लगेगा. तो मैंने जब खुद शॉर्टकट्स नहीं मारे, तो मैं आपको क्यों दूँ शॉर्टकट? यू हैव टू स्ट्रगल. आई एम वेरी ब्लंट. आई टेल दम, सर आई, मेरे को बटरिंग करनी नहीं आती, आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन. आई टेल दिस पीपल, वर्क हार्ड, स्लॉग आउट, हाउ विल यू नो कैसे होता है काम? अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो आपको, स्ट्रगल करोगे खाना मिलेगा, फ्री में खाना मिलेगा, खाने की कदर नहीं होगी. जब स्ट्रगल करके खाना लाओगे, उस पैसों की वर्थ पता चले. सो आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी जर्नी है. वो जर्नी ए से शुरू हुई, बी सी डी ई एफ, और चलती जा रही है, अभी तक ख़त्म नहीं हुई है. सो मेरा टारगेट जेड तक पहुंचना नहीं है. फॉर मी जर्नी इज़ द मेन टारगेट. माई फॉर मी जर्नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ अ पर्सन इज नॉट विलिंग टू गो थ्रू दैट जर्नी, दैट पर्सन इज नॉट मेंट टू बी इन दिस इंडस्ट्री. यू हैव टू गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स. इट्स अ रोलर कोस्टर राइड. सो आई एम नॉट नेवर गोना से टू ऑल दीज यंगस्टर्स और यूथ पीपल, और डू दिस डू दैट. यू कैन लाइक, यू हैव टू डू योर एक्टिंग क्लासेज, यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू ग्रूम योर सेल्फ, यू हैव टू स्टार्ट विद स्क्रैच.